Ohayo gozaimasu, Herman. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Genki desu. Anata wa. Genki desu. Anata wa. Very good. Chalo, let's start. All right. So, today we'll do some conversation practice, okay? And you have to speak after me. आपको मेरे साथ साथ बोलना है, okay? One second. Okay, speak Raman. जो मैं लिख रहा हूँ ना, आपको दिख रहा है? Is it clear to you? जो मैं लिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा? अच्छा, I did not share the screen. One second. Let's go for share screen. Start sharing. अब दिख रहा है आपको? चलो, you have to speak after me. मेरे साथ साथ बोलना है आपको, ठीक है? Okay. Speak up. Shiaiwase. Speak up. Shiaiwase. Speak up. Shiaiwase desu ka? Speak up. Shiaiwase desu ka? Speak up. Shiaiwase desu ka? Shiaiwase desu ka? Yes. Speak up. Shiaiwase desu ka? Shiaiwase desu ka? Shiaiwase desu ka is your, if I'm asking, are you happy? If I'm saying ki aap khush ho, aap khush ho. For example, aap kisi pooch rahe ho. Kisi aap, you are asking with your friend. Ki aap theek ho, aap khush ho. Shiaiwase desu ka is, are you happy? Is that clear to you, Raman? Speak up. Shiaiwase desu ka? Shiaiwase desu ka? Speak five times. Shiaiwase desu ka? Speak up. Shiaiwase desu ka? Very good. Shiaiwase desu ka? Exactly. Now we have. Yeah. Exactly. Now we have Sarai Koto. Speak up. We already have wrapped up. हमने वाला किया हो ना TSU ये वाला character किया हुआ है. ठीक है. Sarai Koto Arimasen. मैंने करेक्टर्स क्यों कराए थे सो दैट कि आपको बोलने का पता लगे दैट्स इज सर ओके सराई को तो आरिमासेन स्पीक रमन सराई को तो आरिमासेन सराई का तो आरिमासेन सराई को तो आरिमासेन दैट इज नो पेन सैडनेस दुखी स्पीक अप सराई को तो आरिमासेन नो पेन नो सैडनेस कि कोई दुख नहीं है कोई सैडनेस नहीं है सैड मतलब दुखी राइट right? तो इफ आई एम आस्किंग अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ शिआइवासे देश का आर यू हैप्पी आप बोलोगे आई डोंट हैव पेन आई डोंट हैव सैडनेस आई एम हैप्पी तो क्या बोलूँगा मैं सराई को तो आरिमासेन स्पीक अप सराई को तो आरिमासेन स्पीक अप आरिमासेन सराई को तो आरिमासेन ओके फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हो कि इफ आई एम आस्किंग आप खुश हो बोलो कि हाँ ठीक ठाक है बस ओके ठीक ठाक है ओके दैट ठीक ठाक स्पीक अप तोकनी आरिमासेन तोकनी आरिमासेन इट मीन्स नथिंग इन पर्टिकुलर नथिंग इन पर्टिकुलर इट मीन्स नथिंग इन पर्टिकुलर का मतलब क्या है रमन कि हाँ ठीक है मतलब कुछ खास नहीं ठीक है पेन डाउन कर लो ठीक है हमने दैट्स अ ख हमने किया ना ख ख करेक्टिव किया हुआ ना ख तो थोकनी आरिमासेन ओके इट मीन्स नथिंग इन पर्टिकुलर हाँ बस ठीक है हिंदी में भी लिख लो हाँ बस ठीक है फिर सेइंग जैसे अब If I raise a question, अगर मैं आपसे पूछता हूँ शिआइवासे देश का स्पीक अप शिआइवासे देश का शिआइवासे देश का इज आर यू हैप्पी और यू आर सेइंग हाँ आई मुझे कोई दुख दर्द नहीं है मैं बहुत खुश हूँ कोई दिक्कत नहीं है सुराई को आरिमासेन सुराई को तो आरिमासेन या फिर आप बोल रहे हो कि हाँ बस ठीक है ओके इट्स हाँ बस ठीक ही है तो थोकनी आरिमासेन इज इट क्लियर टू यू Yes, sir. Speak up then. Bolo aap isko.
अरिमासेन शुरू से रमन ऑफ मी अरिमासेन शिवासे देश का से बोलो आप शिवासे देश का शिवासे देश का तुराई कोतो अरिमासेन तोकु नी अरिमासेन वेरी गुड देन वी हैव इज योखाता देश स्पीक अप योखाता देश Speak up. You khata this is that's good. Bahut badhiya. That's good. Speak up, Raman. You khata this. Speak up. You khata this. Khata this. You khata this is that's good. That's good. If I'm asking, agar main aapse pooch raha hu ki ye saal acha hai, that's good this year. If I'm saying aapse ki That's good this year. ये साल अच्छा है. Yes. ये साल अच्छा है. तो speak up, Raman. यो खाता देश. Speak up. यो खाता देश खोतोशी. खोतोशी is year. साल. खोतोशी is year. खोतोशी is basically. खोतोशी is. Year. Year basically. खोतोशी is. This year. Yep. So, Raman, speak up. Yukhata des kotoshi. Speak up. Yukhata des kotoshi. Kotoshi. Exactly. So, what is the meaning of this? That's good. This year. Yes. Okay. So, let's repeat this one more time. Speak up, Raman. Shaivase des ka. Speak up. Shaivase des ka. Surai koto arimasen. Speak up, Raman. Surai koto arimasen. चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इफ आई एम आस्किंग रमन स्पीक अप नाइता नाइथा कोतो स्पीक अप नाइथा कोतो अरिमास का स्पीक अप का लग गया का इज अ क्वेश्चन पार्टिकल स्पीक अप नाइथा कोतो अरिमास का स्पीक अप रमन नाइथा कोतो अरिमास का नाइथा कोतो अरिमास का नाइथा कोतो अरिमास का इट मींस आई एम आस्किंग हैव यू क्राइड दिस इस साल आपको क्राइड रोना Have you cried this year? मैं वैसे आपसे ना एक मूड पूछ रहा हूँ मूड क्या होता है रमन आपका मूड कभी आपका मूड है आपका रोने का कभी दुख का कभी हैप्पीनेस का ठीक है तो मैं पूछ रहा हूँ क्या पूछूँ नहीं तक हो तो आरी मास का स्पीक अप नहीं तक हो तो आरी मास का नहीं तक हो तो आरी मास का इस की क्या आप इस साल आप रोए तो नहीं हो क्या इस साल आप रोए हो Is it clear to you? Speak up. Naita koto arimasu ka? Naita koto arimasu ka? Ab logo nahi, main to nahi roya. Abhi tak to nahi roya. Kuch bhi aisa kuch nahi hua. Aur kya bologe? Mada nahi. Speak up. Mada nahi. Mada nahi is not yet. Abhi to nahi. Abhi tak to nahi. Aap ye apni Punjabi mein bhi bahut use karte ho, Hindi mein bhi use karte ho. Abhi tak to nahi. That is mada nahi. Speak up. Mada nahi. Mada nahi. Mada nahi. स्पीक अप मादा नाई ओके अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ रमन नाई तक हो तो आरी मास का हैव यू क्राइड दिस ईयर आप बोलोगे हाँ लेकिन अगर आप ये बोलो कि इस साल ने मुझे ऑलमोस्ट रुला ही दिया कि लॉकडाउन है ठीक है कोविड चल रहा है इस साल ये वाला साल ना हमें ऑलमोस्ट हम रोए हैं इस साल में तो क्या होगा स्पीक अप रमन ना किसु नी नाता स्पीक अप ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको मैं दे रहा हूँ ना किसु नी नाता स्पीक अप ना किसु नी नाता यस इट मींस आई ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई दिस ईयर मतलब इस साल ने लगभग हमें रुला ही दिया इस साल ने मुझे लगभग रुला ही दिया स्पीक अप ना किसु नी नाता स्पीक अप ना किसु नी नाता
क्या पूछ रहा हूँ? नाइता कोतो आरी मास का, तो आप क्या बोलोगे? मादा नाई, मादा नाई। अगर मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ नाइता कोतो आरी मास का, तो आप क्या बोलोगे? ना किसु नी नाता, ना किसु नी नाता, ना किसु नी नाता, मतलब इस साल ने लगभग रुला ही दिया। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव शीते मास का, स्पीक अप। शीते मास का, शीते मास का, स्पीक अप। शीते मास का, शीते मास का, स्पीक अप रमन। अगर मैं पूछता हूँ क्या तुम जानते हो रमन, क्या तुम जानते हो, डू यू नो? एक ही गाना भी दो ना पंजाबी में, डू यू नो मैं तेनू कितना प्यार करदा, डू यू नो, दैट इज शीते मास का। स्पीक अप रमन, शीते मास का। आप लोगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। शीते मास का, शीते मास का इज क्या तुम जानते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शीते मास का, स्पीक अप। शीते मास का, शीते मास का इज डू यू नो, आप बोलोगे नो मैं तो नहीं जानता। श्री मासेन, हमने किया ना मासेन इज नहीं, श्री मासेन, श्री मासेन इज आई डोंट नो। आई इज वाताशी, वाताशी नहीं लगाए, सिंपल डोंट नो। तो वी हैव श्री मासेन, इज अ क्लियर टू यू? स्पीक अप। शीते मास का, शीते मास का, शीते मास का, यू नो, डू यू नो, तुम जानते हो क्या? श्री मासेन, आई डोंट, श्री मासेन, डोंट नो। ओके, एक है हमारा रमन, ई हानाशी मतलब गुड स्टोरी। स्पीक अप ई हानाशी, स्पीक अप रमन, कुछ वर्ब, कुछ वोकैबुलरी दे रहा हूँ आपको, स्पीक अप। ई हानाशी, ई हानाशी, स्पीक अप। ई हानाशी, ई हानाशी। एक हमारा है एगो, इंग्लिश, यस, एगो दे मिथेरू, मिथेरू, स्पीक अप। एगो दे मिथेरू, स्पीक अप रमन, एगो दे मिथेरू, एगो दे मिथेरू, स्पीक अप। यस, that is r, miter, okay? So we have other sound something, ego de miter. Sir, screen थोड़ी ऊपर करना. Okay. Is that clear? Ego de miter. Ego de miter. Miter. Is that clear to you? It means watching English. Watching English. English. If you are saying watching English cinema, if you are saying ki watching English cinema, eigo de miteru eigakan, eigakan. So basically eigakan is your cinema. Is that clear to you, Raman? एगा खान, यू विल कम टू नो वोकैबुलरीज, आपको पता लगेगी। एगा खान, एगा खान इज योर सिनेमा। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, ओके। देन यू विल से एगो मींस इंग्लिश, शिकानाई, शिकानाई, स्पीक अप। एगो शिकानाई, ओनली इंग्लिश, ओनली हैव, खाली इंग्लिश ही है। क्या बना? यू आर सेइंग रमन एगो दे मितेरू, वॉचिंग इंग्लिश, तो मैं पूछू सिनेमा, इंग्लिश सिनेमा, एगा खान, एगो दे मितेर, एगा खान, इट मीन्स इंग्लिश, वॉचिंग इंग्लिश सिनेमा। अब लोगे एगो शिकनाई, ओनली हैव इंग्लिश। इज इट क्लियर टू यू रमन? यस सर। अच्छा, जो आपके अर्बन एरियाज होते हैं रमन, जो अच्छे एरियाज होते हैं, जैसे आपके शहर में भी जो अर्बन एरियाज होते हैं उनको बोलते हैं अर्बन एरियाज, है ना? यस सर। तो उसको हम बोलते हैं थोकाई, स्पीक अप। थोकाई इज अर्बन एरियाज, थोकाई, स्पीक अप। थोकाई, थोकाई, ठीक है।
जो बाहर के एरियाज होते हैं, जो आउटर एरियाज होते हैं, ओके, उसको बोलते हैं खुगाई। ओके, थोकाई एंड, थोकाई एंड खुग, सॉरी, खुगाई। खुगाई इज योर आउटर एरियाज, इज इट क्लियर टू यू? स्पीक अप। थोकाई एंड खुगाई। ओके, अब मैं आपसे पूछूं रमन, ये कैसा है? ये कैसा कैसा है? तो स्पीक अप, दू देश का। स्पीक अप रमन, दू देश का। दू देश का इज, मैं बोलूं हाउ इज इट, हाउ इज इट, पूछ ना हाउ इज इट, ये कैसा है? ठीक है, स्पीक अप दू देश का। स्पीक अप रमन, ओके दू देश का। दू देश का इज हाउ इज इट। स्पीक अप उमी, उमी मतलब क्या होता है रमन? ओशियन। उमी इज ओशियन। अब मैं पूछूं रमन आपसे, क्या आप स्विम कर सकते हो? क्या आपको तैरना आता है? क्या आपको तैरना आता है? कैन यू स्विम? कैन स्विम? तो स्पीक अप। ओ यागे मास, ओयागे मास, ओ यागे मास इज कैन स्विम, क्या आप तैर सकते हो? ओ यागे मास, स्पीक अप। ओ यागे मास, मास स्पीक अप। ओयागे मास आप बोल रहे हो कि नहीं, मैं रियली इसको नहीं कर सकता हूँ, रियलिटी में आई कैन नॉट डू दिस। आई हम बोलते हैं ना कई बार इंग्लिश में, आई जस्ट कैन नॉट रियली डू इट, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ रियलिटी में। ओके, तो स्पीक अभी कुछ वर्ब, ये कुछ ना फ्रेजेस हैं जो आपको बोलना सिखाएंगे, ठीक है? जी। स्पीक अप। ना खाना खा, ना खाना खा, देखी मासेन, ना खाना खा देसी मशीन देखी मासेन। इसका मतलब क्या है रमन? जस्ट कैन नॉट रियली डू इट। मैं क्या बोल रहा हूँ? ना खाना खा देखी मासेन। स्पीक अप रमन। ना खाना खा देखी मासेन। स्पीक अप रमन। जस्ट कैन नॉट रियली डू इट, इट मीन्स ना खाना खा देखी मासेन। इट मीन्स क्या है रमन? जस्ट कैन नॉट रियली डू इट, ना खाना का देखी मासेन। इज इट क्लियर टू रमन? ठीक है, ओके। आप सिटिंग, सिटिंग, सिट, बैठना, ठीक है? आप किसी बीच में बैठे हो, बीच, आप गए वहां पे, यू सिट ऑन द बीच, ठीक है? दैट इज वारनो। स्पीक अप रमन। सवारनो दैट इज सिटिंग। सवारनो यस, ऑन द बीच। ये कुछ नॉर्मल प्रैक्टिस है जो हम लोग करते हैं, ठीक है? स्पीक अप। सवारनो यामा। सवारनो यस, यामा इज योर माउंटेन्स। यामा इज योर माउंटेन। इज इट क्लियर टू यू रमन? यस सर। ओके, अगर आप बोल रहे हो ओके आई सी, मुझे पता लगा, आई सी हम बोलते हैं ना, ओके आई सी, ओ या आई सी, मतलब मुझे पता लगा, आई सी, मैं देखता हूँ। इज इट क्लियर टू यू रमन? आई सी। नारू हो दो, नार हो दो, नार हो दो, नार हो दो, ये सारे हमने हीरा गाना गदा गाना किए ना, नार हो दो, नार हो दो, ये वाले जी सारे हमने, आई सी, नार हो दो। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। नार, स्पीक अप, नार हो दो। चिगाई मास। स्पीक अप रमन। चिगाई मास। गाय मास स्पीक अप। चिगाई मास इज गाय डिफरेंट, मास अलग। चिगाई मास इज डिफरेंट डिफरेंट, अलग। इज इट क्लियर टू रमन? ओके ओके। एक मैं ना वोकैब यूज करता हूँ रमन, खेकू। खेकू, खेकू इज जैसे बोलते हैं ना, खेकू इज बेसिकली इन हिंदी, इंग्लिश में हम बोलते हैं फेयरली। इट मीन्स जैसे फेयरली इज क्लियरली, क्लियरली साफ। क्लियरली
कि जैसे मैं बोलता हूँ कि आप ठीक हो, आप बोलोगे हाँ फेयरली गुड, मतलब फेयरली इज मतलब वैसे फेयरली का मतलब होता है हाँ, कई बार बोलते हैं फेयरली एनफ, मतलब हाँ बस ठीक है, या फिर फेयरली इज साफ क्लीन, हाँ क्लियर, ठीक है, दैट वी कॉल्ड एज खेखू, स्पीक अप खेखू, खेखू, यस खेखू, खेखू. अगर आप बोल रहे हो कि क्या आप नाराज हो गए हो, गेट अनॉयड, क्या आप नाराज हो गए हो, क्या आप, जैसे आप नाराज हो, क्या आप नाराज हो, आप पूछते हो आप नाराज हो, आप नाराज तो नहीं हो मेरे से, पूछते हो आप, तो हाउ यू विल से, स्पीक अप, इराइरा शिमास, स्पीक अप, स्पीक अप रमन, इराइरा शिमास इज गेट अनॉयड, गेट एंग्री, नाराज हो जाना, अनॉयड, नाराज हो जाना, ठीक है, अनॉयड मतलब क्या होता है रमन, नाराज हो जाना, तो स्पीक अप, इराइरा शिमास, स्पीक अप रमन, इराइरा शिमास, इराइरा शिमास, ठीक है, इराइरा शिमास इज योर गेट अनॉयड, स्पीक अप, गेट अनॉयड, शिमास, गेट अनॉयड, चलो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन रमन, स्पीक अप, कोनिचीवा, कोनिचीवा, गेंकी देस, स्पीक अप, गेंकी देस, गेंकी देस, अनातावा, गेंकी देस, अनातावा, वाताशी मो गेंकी देस, स्पीक अप, वाताशी मो गेंकी देस, वाताशी मो गेंकी देस, वाताशी मो गेंकी देस इज रमन, आई एम आल्सो गुड, स्पीक अप, वाताशी मो गेंकी देस, वाताशी मो गेंकी देस, वाताशी मो गेंकी देस, अब नाउ रिपीट करो इसको वन बाय वन, देस का सुराई को तो आरिमासेन, वेरी गुड, टोको नी आरिमासेन, वेरी गुड, ये कातो देस, वेरी गुड, कोतो शी, नैता कोतो आरिमासु का, वेरी गुड, मादा नाई, नाकोसु, वेरी गुड, स्पीक अप, नाकिसु, नाकिसु नी नाता, ओके, नेक्स्ट पढ़ो, शीते मासु का, शिरीमासेन, इहाना नाशी, नाशी, इगो दे, ओके, इगो दे मितेरु, मितुरु, ना ना मितेरु, र मितेरु, मितेर, मितेरु, वी हैव डन ना र, राइट, या या, इगो दे मितेर, इगो दे मितेर, इगा कान, इगा कान, हाँ एगा खान, वेरी गुड, एगा खान, ओके, एगो शिकनाई, स्पीक अप, एगो शिकनाई, थोकाई, स्पीक अप, थोकाई, खुगाई, वेरी गुड, दू देश का, स्पीक अप, दू देश का, उमी, स्पीक अप, उमी, ओयागे मास, ओयागे मास, ना खाना खा, स्पीक अप, ना खाना खा, देकी मासेन, देकी मासेन, सुवारनो, वेरी गुड, सुवारनो, सुवारनो, वेरी गुड, यामा, वेरी गुड, द नेक्स्ट वी हैव इज नोरु होदो, नार होदो, नार होदो, नार होदो, चिगाइमास, केकू, इरा इरा शिमास, इज इट क्लियर टू यू? यस सर. नाउ रमन वी हैव अ कॉन्वर्सेशन पैटर्न, ओके, फॉर एग्जाम्पल यू सेड, आप किसे पूछ रहे हो, यू टेल मी, आप मुझे बताओ, यू
टेल मी वन सेकेंड है नाउ यू आर सेइंग यू टेल मी आप मुझे बताओ तो स्पीक अप टेल मी ओशी ओशी एतेकु ओशी एतेकु दासाई स्पीक अप रमन अगर आप कह रहे हो कि यू टेल मी स्पीक अप ओशी ओशी एते खु दासाई स्पीक अप ओशी एते खु दासाई इसको पढ़ते हैं कैसे पढ़ोगे ओशी एते खु दासाई थोड़ा फास्टली पढ़ते हैं फास्ट ओशी एते खु दासाई स्पीक अप ओशी एते खु दासाई वेरी गुड रिपीट करो ओशी एते खु दासाई वेरी गुड ओशी एते खु दासाई ओशी एते खु दासाई वेरी गुड स्पीक अप खु दासाई Very good. Oshiete kudasai. Agar aap bol rahe Raman, tell me your name. Tell me your name. Your name. Agar aap ye bol rahe ho, saying tell me your name, to kya bologe? Onamae. 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 O. Aage aapka kya aayega? Oshiete kudasai. स्पीक अप रमन अगर आप पूछ रहे हो कि टेल मी योर नेम स्पीक अप ओनामाए ओ ओशिएते कुदासाई ओशिएते कुदासाई वेरी गुड स्पीक अप रमन बोलो इसको ओनामाए ओ स्पीक अप ओनामाए ओ ओशिएते कुदासाई इज इट क्लियर रमन यस सर स्पीक अप दोबारा बोलो आप इसको ओनामाए ओ ओशी ते कुदासाई वेरी गुड अगर आप बोल रहे हो रमन माय नेम इज रमन अगर आप बोल रहे हो रमन यू आर सेइंग माय नेम इज जो भी आपका नाम इज इट क्लियर टू यू वाताशी वेरी गुड नो नमाइवा वेरी गुड वाताशी नो नमाइहा नमाइवा माय हा वा भी कर सकते हैं नमाय हा भी कर सकते हैं वाताशी नो नमाय हा इज इट क्लियर टू यू माय नेम इज वाताशी नो नमाय हा इज इट क्लियर टू यू यस सर वाताशी नो नमाय हा नमाय हा फिर आप पूछते हो एंड व्हाट अबाउट यू एंड व्हाट अबाउट यू इज एंड व्हाट अबाउट यू यस If I'm saying, and what about you? We are doing a bit phrases, okay? Speak up. We have so shite. Speak up. So shite. Anatawa. Anatawa is basically hum bolte and you. Anatawa. Karte na ugenki desh anatawa. Yes, yes. Do desh ka. Speak up. Do desh ka. So that is. I am going. Simple if you're saying I am going. Simple. If you're saying I am going. Is it clear to you? Speak up. Yes. Yes. Mukhate. Speak up. Mukhate imas. Speak up. Mukhate imas. Yes. Speak up. Mukhate imas. Yes. Mukhate imas. Mukhate imas. That is, I am going. Ima means now. Yes, exactly. Ima is main abhi ja raha hu. Is it clear to you? Yes, so, yes. If you are saying, I am going to sleep. I am going to sleep. Is it clear to you? So, what we will say? Watashi wa nemas. Simple. Nemas. That's a sleep verb.
एक वर्ब हमारी स्लीप की नेमास, आई एम गोइंग टू स्लीप वाताशी वा नेमास, इज इट क्लियर टू यू? इफ यू सेइंग रमन आई एम गोइंग टू ईट, आई एम गोइंग टू ईट, इफ यू सेइंग आई एम गोइंग टू, बेसिकली ताबेर हमारी एक वर्ब है ताबेरू, दैट इज टू ईट, राइट? सो व्हाट विल से आई एम गोइंग टू ईट वाताशी वा ताबे ताबे, आई एम गोइंग टू ईट ताबे नी इकिमास, स्पीक अप इकिमास, आई एम गोइंग ताबे इज बेसिक मेरी वर्ब है ताबे इज टू ईट, तो स्पीक अप आई एम गोइंग टू ईट, सो यू विल से वाताशी वा ताबे नी इकिमास, इज इट क्लियर टू यू? आई एम गोइंग टू ईट, इफ यू सेइंग रमन, इफ यू सेइंग रमन आई एम गोइंग टू ईट नाउ, आई एम गोइंग टू ईट नाउ, तो आप क्या लगाओगे? वाताशी वा ताबे मास, ताबे मास, इज इट क्लियर टू यू? वाताशी वा ताबे मास, और ईमा इज ऑल्सो वी हैव नाउ, तो यू कैन से लाइक दिस रमन, ईमा ताबे मास, सिंपल, ईमा ताबे मास, इज इट क्लियर टू यू रमन? यस सर. इमा ताबे मास, सिंपल भी आप बोल सकते हो, ये वाताशी वा ताबे नी इकी मास, तो ये थोड़ा सा आपका एक लेंथी पैटर्न है, इफ यू सेइंग इमा ताबे मास, इज इट क्लियर टू यू रमन? यस सर. ओके, चलो इसको रिपीट करो आप शुरू से, रिपीट प्लीज, चलो रिपीट प्लीज. शिवा से देश का, वेरी गुड, स्पीक अप रमन. सुराई कोतो आरिमा सेन, तोकुनी आरिमा सेन, वेरी गुड. युकातो देश का, युकाता देश का, युकाता देश, कोतोशी, ओके, नाइता कोतो आरिमास का, स्पीक फास्ट, मादनाए नाकिसु नीनाता, चिते मास का, चिते मास का, शिरी मास सेन, शिरी मास सेन, ओके, स्पीक अप रमन. इहानाशी एगोते मितेरु, एगोते मितेरु, एगा खान, एगो शिकनाई थोकाई खुगाई दुदेस का उमी, उयागे मास, स्पीक अप, उयागे मास, ना खाना खा देकी मासेन, सुवारन सुवारन यामा, ओके, यामा, नारुतो, वेरी गुड, चिगाई मास, केकु इराइरा शिमास, इराइरा शिमास, ओशी एते, स्पीक अप, ओशी एते कुदासाई, ओशी एते कुदासाई, वेरी गुड, ओ नामे ओ, ओशी एते कुदासाई, कुदासाई, वाताशी नो नामाए, नामे हाँ, इज इट क्लियर टू यू? देन वी हैव, एंड व्हाट अबाउट यू? शोशिते अनातावा दो देश का, स्पीक अप, या? देन वी हैव, यस, मुखाते इमास, वाताशी वा नेमास, वाताशी मा वा ताबे नी इकिमास, इमा ताबे मास, इज इट क्लियर टू रमन? ताबे इन इकुमास, वेरी गुड. इफ यू सेइंग रमन, फॉर एग्जांपल यू आर सेइंग आई एम, पेन डाउन प्लीज, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू लर्न, एल ई ए आर एन, लर्न, I am going to learn. Is it clear to you? What you will say? Watashi wa manabu. Okay. Watashi wa manabu su mori desu. Speak up, Raman. Watashi wa manabu su mori desu. Speak up, Raman. Watashi wa manabu. Very good. Exactly. If you're saying, Raman, I am going to learn English. I am going to learn English. Main English learn karne ja raha hun. So speak up, Raman. Watashi wa eigo o manabu then sumori desu. Is that clear to Raman? Yes, sir. Manabu sumori desu. Okay. For example, if you're saying, Raman, I am going to learn Japanese. I am going to learn Japanese. Very good. Watashi wa Nihongo.
Amanabu. Very good. Manabu su moridois. Or you can say simple, you can say like this. Watashi wa nihongo o. Simple. Manabimas. Or you can say manabimas. Or you can say manabu su moridois. Is that clear to you? Nihongo. Nihongo is Japanese basically. Okay. For example, Raman, we have one more phrase. You are saying, I am going to write. Pen down, please. I am going to write. Likh liya aapne? Yes, sir. Then what will say? Watashi wa, I am going to write. Watashi wa khak. Khak is to write. Humne kiya na khak in the verbs. Khak su morides. I am going to write. Khak. Khak is to write basically. So speak up. Watashi wa khak su morides. Is that clear to you? Is that clear to you? I am going to write. Watashi wa khaku su morides. If I'm saying Raman, I'm going to karaun. Yes, that's my ing form. Karaunga aapko verbs mein karaunga. It is just we're doing practice phrases. Ab jaise main bolun ki I'm going to run. So what you will say? Watashi wa hashir. Hashir is to run basically. Okay. Hashir su morides. So that is main kar raha hun. So is it clear to you, Raman? Yes, sir. Okay. Watashi wa hoshiru su mori desu. Okay. I'm going to play. Okay. I'm going to play. So what you will say? Watashi wa play is my asobu. Asobu. Asobu su mori desu. Su morides. Asobu su morides. Watashi wa asobu. Speak up. Watashi wa asobu su morides. Speak up, Raman. Asobu su morides. Is that clear to you, Raman? Yes, bro. Okay, if you are saying, Raman, I am going to eat, I am going to cook. Main khana banane ja raha hun. I am going to cook. So speak up, Raman. Watashi wa, we have ri, ru, jo, ru. It will be tough for jayega. Ye nahi abhi karunga. That would be tough, I think. Okay? That will be tough. Simple leke chalte hain. If I'm saying, I am going to eat dinner. I am going to eat dinner. So what you will say? Watashi wa yushoku. Yushoku. Is it clear to you? Yushoku o tabemas. We have tabemas verb. Tabemas. I am going to eat dinner. Watashi wa yushoku o tabemas. Speak up. Watashi wa. Watashi wa yushoku o tabemas. If you're saying, Raman, I am going to eat lunch. Lunch. I'm going to eat lunch. So what you will say? Watashi wa chushoku. Chushoku o tabemas. Is that clear to Raman? If you're saying, Raman, I'm going to eat breakfast. I'm going to eat breakfast. So what you will say? Watashi wa, the same we have. That is cho shoku. C-H-O. Same? No, usme chu hai. Isme cho hai. Cho shoku o tabemas. Or either you can say like taberu, taberu, and you can say like this, so morides. So that's your sense ki how you can make it. If you are going for a lengthy ki aapko bada banana hai, so you can say like this, watashi wa choshoku o taberu
सु मोरितेस. इज इट क्लियर टू यू रमन? ठीक है, ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट रमन? ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज नाउ आई एम गोइंग टू सेंड इट टू यू ऑन योर चैट बॉक्स. दिस इज वी हैव एंड दिस आई विल सेंड यू ऑन द चैट बॉक्स. ठीक है रमन, समझ आया आपको आज? जी जी ठीक है, सो मैं कल आपको फिर मिलूंगा.